हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं विटामिन ए बी सी डी ई के एच विटामिन के स्रोत क्या क्या है, यानी कि किन किन अनाजों या फलों में ये विटामिन पाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि विटामिन क्या है और उसके वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके ट्रिक के साथ बताया हूँ। दूसरे वीडियो में सभी विटामिनों से होने वाले रोगों के बारे में बताया है। तीसरा वीडियो है जिसमें मैं बता रही हूँ कि विभिन्न विटामिनों के स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि विटामिनों के स्रोत क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। दोस्तों, विटामिन ए जो होता है, इसके स्रोत हैं, सबसे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कितने किसमें पाया जाता है? गाजर में। कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, मछली के तेल और यकृत में। उसके अलावा यह मांसाहारी में मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली के तेल, यकृत और मछली के मांस में पाया जाता है। एंड दोस्तों, सब्जियों में यह गाजर, टमाटर, गोभी, केला, आम, पपीता, अनानास में पाया जाता है। एंड दोस्तों, अब बात करेंगे विटामिन सी के स्रोत की। विटामिन सी जो होता है दोस्तों, वह हमारे उत्तकों के कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है और घाव भरता है, आरबीसी का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी क्षमता प्रदान करता है। जैसा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े फूल जाते हैं और रक्त आने लगता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो विटामिन सी के स्रोत किस किस चीज में पाया जाता है दोस्तों? जैसा कि दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी जो होता है, वह आंवले में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवले में। वैसे तो विटामिन सी दोस्तों सभी खट्टे व ताजे फलों में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर नींबू में, उसके बाद मौसमी में, संतरे में, अमरूद, इमली, आम, सेब आदि में पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों, इस बार यूपीटीजीटी में पूछा हुआ था कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो उसमें आंवला, नींबू, मौसमी ये सब नहीं दिया था, अमरूद दिया था दोस्तों, तो अमरूद उसमें ऑप्शन सही था, तो इसलिए इसको जानना आपको आवश्यक है। अब विटामिन डी के कौन कौन से स्रोत हैं दोस्तों? विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी विटामिन, हार्मोन भी बोला जाता है। इसकी कमी से टिटैनी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। दोस्तों, इसका स्रोत सबसे सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक अच्छा स्रोत है सूर्य की पराबैंगनी किरणें। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में अच्छा स्रोत है क्या? सूर्य की किरणें। उसके अलावा मक्खन, मछली का तेल, मांस, जिगर, अंडे की जर्दी, दूध, इसके स्रोत है विटामिन डी के। इसके अलावा वनस्पति भोज्य पदार्थों में नाम मात्र का पाया जाता है। एंड अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई के स्रोत की। जैसे कि दोस्तों, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, बाजपन रोधी, एंटी स्टरिलिटी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, नपुंसकता रोग होता है। जैसा कि दोस्तों, विटामिन ई अधिकतर यह अनाजों, अंकुरित बीजों, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा यह मांस, दूध, यकृत, मछली, अंडे में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन के की। जैसा कि इसको कमी से रक्त का रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों, और ठीक है, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। के प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? अधिक मात्रा में यह पत्ता गोभी में, पालक में, सोयाबीन, अंकुरित अनाजों तथा विभिन्न फूलों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा दूध तथा जंतु भोज में भी भोज में कम पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी प्रकारों में कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे कि दोस्तों, विटामिन बी वन जो होता है, इसकी कमी से लकवा यानी पैरालिसिस रोग हो जाता है, और जिसे बेरी बेरी कहते हैं, भूख नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। और दोस्तों, विटामिन बी वन का स्रोत है
खमीर यानी ईस्ट जिसे कहते हैं, गेहूं, चावल, अंकुरित बीज, सूखे मेवे, मूंगफली, सूअर का मांस, दूध, दही तथा कुछ मात्रा में पिसे हुए अनाजों, हरी सब्जियों तथा फलों में भी पाया जाता है। मुख्य रूप से अनाजों में, अंकुरित अनाजों में पाया जाता है बीवर। दोस्तों विटामिन B2 की बात करते हैं तो B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है, जिसमें होंठ फटना, पाचन कमजोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, जीभ में सूजन, आंखों में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं खमीर जिसे इष्ट बोलते हैं, गाय का दूध, यकृत, अंडे की जर्दी, पपीता, पनीर, गेहूं, बादाम, मिर्च, ठीक है, सोयाबीन एंड कुछ मात्रा में फलों सब्जियों में पाया जाता है। अब बात करते हैं B3 के बारे में। B3 की कमी से चर्म दाह, पेलाग्रा रोग हो जाता है दोस्तों, और इसका सर्वोत्तम स्रोत है खमीर, इष्ट, खमीर यानी इष्ट, यकृत, चावल, मूंगफली। इसके अलावा यह जौ, गेहूं, मछली, अंडा, सोयाबीन, हरा चना और दूध में पाया जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों बात करते हैं B6 की। B6 जो होता है इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, और इसके स्रोत है खमीर यानी कि इष्ट, गेहूं, यकृत, सोयाबीन, अंडा, दूध, मांस, मछली, फलों तथा सब्जियों, अनाजों, सूखे मेवे, मूंगफली, तिलहन में पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों B12 की। B12 की कमी से पर्निकस एनीमिया हो जाता है, और यह रक्त निर्माण में सहायक होता है, DNA संश्लेषण में सहयोग करता है। जैसा कि एक इसके स्रोत क्या है दोस्तों, इसके स्रोत हैं यह अधिक मात्रा में साग सब्जियों की जंतु भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा यह प्रचुर मात्रा में दोस्तों यह साग सब्जियों की जंतु भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा यह प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध में, अल्प मात्रा में पनीर, सोयाबीन, गेहूं में पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार विटामिन के पार्ट समाप्त होते हैं। आई होप कि सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो तीन वीडियो में मैंने विटामिन को समाप्त कर दिया है। एंड दोस्तों मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन पोषक तत्वों की 6 तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के बारे में मैं बता चुकी। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि खनिज लवण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और किसमें क्या पाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।